आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम सब आपको डिस्कस करने वाले हैं जो कोरिलेट करता है क्राइम और ई बाइक को। आपके माइंड में भी क्वेश्चन डेफिनेटली राइज हो रहा होगा कि क्राइम और ई बाइक्स का आपस में क्या कनेक्शन है। इस बात को जानने के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पुलिस कमिश्नर मिस्टर सुखचैन सिंह से। तो चलिए उनसे ही जानते हैं इस ई बाइक के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो हीरो साइकिल्स ने ई बाइक लॉन्च की है, इसके क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं हमारे पंजाब पुलिस को स्पेशली? देखिए, जैसे जो सिटीज़ हैं, जैसे लुधियाना ही है, इसमें जो इंटीरियर सिटी है बहुत कंजेस्टेड है, जहाँ पे फोर व्हीलर और बाइक, नॉर्मल बाइक का जाना बड़ा टफ है वहाँ पे। तो लास्ट हमने काफ़ी देर से देखा है कि हमारे जो पेटी क्राइम उस एरिया में होते हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। ऐसा फुट पेट्रोलिंग जो है वो हर एरिया में पॉसिबल नहीं है, सो उसी की वजह से हमने हीरो साइकिल के साथ मिलकर अभी ई बाइक्स लॉन्च की हैं, जिसमें दो फायदे हैं। एक तो कंजेस्टेड एरियाज़ में जा पाएंगे जहाँ पे पेट्रोलिंग करना टफ है। सेकंड, फ्यूल वाइज बहुत इकोनॉमिकल है, इसको चार्ज करना है, चार्ज करके ये इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होके इलेक्ट्रिक बाइक के तौर पे चलता है। तीसरा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, और इसका लोगों में भी एक अलग एक पुलिस देखने को मिलेगी जो कि ई बाइक से ट्रेवल करेगी। तो मेरे हिसाब से अभी हमने जो चार ई बाइक्स लॉन्च की है, इसके बाद हम इसको असेस करके देन चार या छः और लॉन्च करेंगे, फिर फर्दर अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको और एनहांस करेंगे। आपको लगता है आने वाले टाइम पे क्राइम पे इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर करेंगी ये ई बाइक्स? देखिए, पुलिस का जो इफेक्ट है क्राइम पे, वो विजिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी पुलिस की, उतना ही क्राइम पे डेटरेंट इफेक्ट होता है। और इससे विजिबिलिटी जो है, एक तो एक अलग चीज़ है, तो पुलिस की विजिबिलिटी और इंक्रीज होगी इससे, और डेफिनेटली क्राइम पे इफेक्ट होगा इसका। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज इको फ्रेंडली होने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल अपना काम करके निकल जाते हैं, बट वो पुलिस उस टाइम उस मौके पे नहीं पहुंच पाती, तो ये ई बाइक्स काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो इंटीरियर एरियाज हैं वहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है वो नेचुरली सेव होगा इससे, उससे काफ़ी फायदा होगा पुलिस को। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। तो यह थे हमारे साथ पुलिस कमिश्नर मिस्टर सुखचैन सिंह गिल, जिन्होंने हमें ई बाइक्स के बारे में बताया कि इससे क्राइम किस फॉर्म में आने वाले टाइम पे कम हो सकता है। आपको अभी बताया कि हीरो साइकिल की तरफ से एक ई बाइक लॉन्च की जा रही है स्पेशली पंजाब पुलिस के लिए, जो क्राइम को कम करने में डेफिनेटली बहुत ही एक हेल्पफुल व्हीकल प्रूफ होने वाली है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं हीरो साइकिल के ऑनर मिस्टर अभिषेक मुंजाल सर, उनसे ही जानते हैं ई बाइक के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको इतना एक क्रिएटिव आइडिया कि पंजाब पुलिस के लिए स्पेशली आपने ये ई बाइक लॉन्च की है, ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उधर पुलिस को देखा था करते हुए, तो मैं डैड के पास गया, डैड से बहुत बात करी, देन डैड सेड इट्स अ गुड आइडिया एंड डैड टुक द इनिशिएटिव कि वो शुरू करे। वैसे तो हमने ई बाइक्स, हमने सुना है कि बड़े बड़े जो बाहर अब्रॉड में यूरोप जैसी कंट्रीज है, वहाँ पे ई बाइक बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे जो पुलिस है वहाँ की यूज़ करती है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पंजाब में स्पेशली कितने हेल्पफुल प्रूव होने वाली है क्राइम को कम करने के लिए? काश बहुत करेंगे, अभी वैसे ही पंजाब पुलिस वेरी इफेक्टिव, तब उसके वजह से कि और भी इफेक्टिव हों, देख सकते हैं कि साइकिल कितना हेल्प कर पाए। आज के टाइम पे ये जो भी बाजार और सारी छोटी गली वाली जगह हैं वहाँ पर ना तो गाड़ी जानी है ना बाइक जानी, मोटर बाइक जानी है ठीक तरह, तब ये होप है कि साइकिल के साथ जाए और ना उतना थके, क्योंकि चल के जाए लेट हो जाए, बाइक ना जा पाए, तब ऐसे सोच रहे कि साइकिल के साथ करें। मिस्टर अभिषेक मुंजाल हीरो साइकिल्स के ऑनर, जिन्होंने हमें ई बाइक के बारे में अवेयर किया कि वो पंजाब पुलिस के लिए कितनी बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है आने वाले टाइम पे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।